नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, लिथुआनिया। जी हाँ भैया, ये टॉप ट्रेंड में चल रहा है यार जॉब के मामले में, तो मैं सोचा कुछ बातें आपको बता दूं। हालांकि दोनों चैनलों पे हमने वीडियो बनाया इसका, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जॉब अगर आप लिथुआनिया में जाते हैं तो 15 कौन से ऐसे बड़े फायदे हैं जो यूरोप देशों में सबसे ज्यादा सस्ता वीजा मिलता है शेंगेन कंट्री में, और तुरंत वीजा मिलता है, सस्ता मिलता है, और आम आदमी शेंगेन कंट्री जा सकता है लिथुआनिया कंट्री के माध्यम से। तो यहाँ पे हम जॉब से रिलेटेड बात करेंगे कि लिथुआनिया आपको क्यों जाना चाहिए और देशों की बजाय यहाँ पे इतना आसान क्यों है पहुँचना, तो डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं साथियों। ये लिथुआनिया दिख रहा होगा, ये लिथुआनिया कंट्री है, छोटा सा देश है एक तरीके से, नज़दीक में लातविया पड़ता है इसके, और इधर बेलारूस का बॉर्डर ये शेयर करता है, और बेलारूस के आगे आपको पता है रशिया का बॉर्डर आ जाता है, और ये बॉर्डर शेयर करता है ज़्यादा पोलैंड का। पोलैंड के नज़दीक में लिथुआनिया कंट्री है, पोलैंड जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, यानी ये मान लो कि यहाँ 90% चांस होते हैं ना पहुंचने के, तो यहाँ पे आपको 99% चांस हो जाते हैं लिथुआनिया पहुंचने में। और वीजा सक्सेस रेट, जी हाँ, 888 मान लो या 999% वीजा ये कंट्री दे देती है लिथुआनिया। 28 लाख की आबादी है, मात्र 28 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा नहीं है। 2003 में ये आपको पता होगा शेंगेन कंट्री में शामिल हुआ था, 2004 में। अच्छी कंट्री है, यूरोप में मूव होने का बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो इस पर हम 15 टॉपिक पे बात करेंगे ऐसे कि अगर इस देश में जाते हैं तो 15 ऐसे कौन से आपको बेनिफिट होते हैं और यहाँ पे कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, इस पे भी हम बात करेंगे। साथियों मैं बता दूं आपको कि यूरोप देशों में अगर बात करें ना फर्स्ट टॉप 5 कंट्रीज में, तो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस है वर्करों के अंदर। जी हाँ, लिथुआनिया ऐसी नहीं है आलतू फालतू कंट्री भाई, वर्कर में अगर टॉप 5 कंट्री में बात करें ना तो लिथुआनिया के वर्कर सबसे खुश रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वर्करों की कमी क्यों है, इस पे हम बात करने वाले हैं कि लिथुआनिया इतना अच्छा कंट्री है यूरोप का, फिर भी इन देशों में कमी क्यों है। तो कमी की बता दूं कि भैया और देशों की बजाय, और जो शेंगेन कंट्री में है यूरोप की कंट्री है उनकी बजाय लिथुआनिया थोड़ा डाउन है। समझते हैं, सकते हैं ना, एक ये पांचों उंगली एक जैसी तो नहीं है, है ना, किसकी इंपोर्टेंट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, इसकी बेचारे की बिल्कुल नहीं होती है या कम मान लो वैल्यू उस हिसाब से। दूसरी बात, यहां पे सैलरी कम मिलती है। सैलरी कम किसको मिलती है, जो यूरोप कंट्री है, यूरोप के देश, यहां पे यूरोप के जो लोग हैं शेंगेन कंट्री के, वो यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहते क्योंकि उनको मिलता है भैया 500-700 है ना, 1000 यूरो, वो उनके ना अपनी मारवाड़ी भाषा में ये कान फर्क नहीं पड़ता उनको, 500-700-1000 यूरो में वो क्या कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते यूरोप देशों के। और यहाँ के जो लिथुआनिया के खुद के लोग हैं ना, जैसे स्टूडेंट हो गए ना, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, वो भी ये चाहते हैं कि हम दूसरे यूरोप कंट्री हैं उनमें मूव हो जाएं। तो यहाँ के लोग भी दूसरे देशों में जाते हैं और यूरोप देशों के लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। भाई साहब, आपको बोल दूं कि 1000 यूरो मिलेंगे, चले जाओ जी, 1 लाख रुपए बनता है, आप तो भागे भागे रस्ते में रुकोगे नहीं, 1 लाख रुपए आपके लिए बहुत है, लेकिन उनके लिए ये सैलरी बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे वर्करों की कमी है, इसीलिए लिथुआनिया जैसी कंट्री आप लोगों के लिए तैयार बैठी है कि आ जाओ हमारे देश में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि लिथुआनिया जॉब में अगर आप जाते हैं तो 15 कौन से फायदे हैं जो और यूरोप देशों में या शेंगेन कंट्री में आपको नहीं मिलता है, लेकिन भाई साहब इस देश में अगर आप जाते हैं तो 15 प्रकार के बड़े बेनिफिट हैं, और वो बेनिफिट ही आपको ये मजबूर कर देते हैं कि इस देश में आप जाओ। चाहे आप गल्फ देशों में रहने वाले हो, चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 टॉपिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके सब आपके ऊपर वो लागू होते हैं, इसलिए आप यूरोप कंट्री शेंगेन यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, लिथुआनिया हालांकि 15 टॉपिक है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि भैया इंडिया का आम बंदा यहाँ कैसे पहुंच जाता है। मैं बता देता हूँ कि यहाँ का आपको मैन पावर लाइसेंस मिल जाता है, मैन पावर लाइसेंस होल्डर एजेंट मिल जाते हैं जो लिथुआनिया का काम करते हैं। अब देखो ये लिथुआनिया आपको दिख रहा होगा ना जॉब आई हुई, देख सकते हैं सैलरी, देखो भैया 2.5 लाख, जी हाँ, यानी 2600 यूरो से, यानी 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक की सैलरी के यहाँ पे इंडियन बंदों के लिए जॉब दिखाए गए हैं। दिख रहा आपको, अब ये आप लोगों के लाइसेंस ये मिलेगा कहाँ पे उस पर बता देते हैं। ये दिख रहा आपको, ये भी लिथुआनिया का ही जॉब है साथियों, है ना, ये लाइसेंस नंबर 521, है ना, 439। अब ये लाइसेंस नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लिथुआनिया यूरोप कंट्री का इंडिया में लाइसेंस होल्डर है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए लिथुआनिया के लिए भाई साहब जॉब की कमी नहीं है, देख सकते हैं इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू 6 तारीख को 7 तारीख को अगस्त 2023 में इसका इंटरव्यू हो चुका है, लाइसेंस नंबर 392 है ना। लिथुआनिया का जॉब देखो जी, इंटरव्यू हो चुका है 12वें महीने की 5 तारीख का इंटरव्यू अभी होने वाला है ना, 392 लिथुआनिया की जॉब है सबके सब। इधर देख लो, फिर देख लो भैया लिथुआनिया की, मैं ये बता रहा हूँ आपको, देखो पाइप फिटर वगैरह टोटल कैटेगरी के जॉब है, सैलरी देखोगे 1,30,000 से लेकर 1,40,000 तक, 392 नंबर लाइसेंस नंबर है। ये देखो जी भर के वैकेंसीज आई पड़ी है, और ये भी नहीं है कि भैया ये फेक वैकेंसीज है, ये अथोराइज गवर्नमेंट अथोराइज ना, वहां की मैं बात कर रहा हूं। ये देख लो जी लाइसेंस नंबर 180 है ना, दिख रहा है आपको, आपकी बुक में मिलेगा ये 3631, ये लाइसेंस नंबर है, ये आप मिलेगा कहां पे, ये क्लियर कर दूं,
ये आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास ये बुक होगी, ये बुक भैया अभी फट चुकी है, काफी टाइम हो गया, ये किसी का रिटर्न आया था तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, पीछे जाओगे लाइसेंस नंबर सीरियल नंबर लिखा होगा, 1 से लेकर 1500-1800 तक लाइसेंस नंबर होता है ना, सीरियल नंबर 631 है, 180 है, जो मैंने बताया है उसमें आप मैच करोगे। यहाँ पे आप ऑफिस में जाके इनसे बातचीत कर लो, इनसे इंक्वायरी कर लो, यहाँ पे लिथुआनिया का जॉब आया हुआ है। तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा एजेंट हैं लिथुआनिया के मिल जाते हैं, इसलिए इस देश में पहुंचना सबसे आसान होता है। ये एक नंबर पॉइंट है भाई साहब, बाकी 14 नंबर भी और भी पड़े पॉइंट। 15 नंबर में दूसरा नंबर की बात कर लेते हैं भाई साहब, लैंग्वेज, भाषा। जी हाँ, यहाँ पे भाषा का कोई इशू नहीं है, बहुत सारे देशों में प्रॉब्लम आ जाती है कि पर्टिकुलर जैसे इटली है, जर्मनी है, वहाँ की लैंग्वेज आना जरूरी है तभी आप जॉब में सक्सेस हो पाओगे। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई साहब एजुकेशन। जी, पढ़ाई लिखाई ये भी एक जरूरी पार्ट बन जाता है। यहाँ पे आप मान लो अनपढ़ भी आप जा सकते हैं, पढ़े लिखे भी जा सकते हैं, है ना। तो दूसरा नंबर फायदा हो गया ना कि ये आप जाने का आसान तरीका है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं वीजा प्रोसेस आसान होता है। जी हाँ, वीजा प्रोसेस इतना ईजी है कि आप सोच नहीं सकते भाई साहब। अगर विजिट वीजा भी लेते हो ना, वर्क परमिट वीजा की 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन में वीजा मिल जाता है, विजिट वीजा तुरंत मिल जाता है आपको। वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, तुरंत वीजा मिलता है। और वीजा की प्राइस की भी बात कर लेते हैं, 4-5 नंबर पॉइंट पे वीजा सस्ता, और देशों की बजाय यूरोप देशों में जाओगे भाई साहब 10-15 लाख यूं लोग मुंह फाड़ते हैं। आम आदमी के पास तो इतना पैसा नहीं है। यहां पे आप जाते हो ना, जो मैंने ऑथराइज ऑफिस बताई है, मान के चलिए 3-3.5 लाख में काम बन जाता है आपका, इतना ही पैसा लगता है। वहां की सरकार भी आपको पैसा रिफंड देती है, आपको सबको पता होगा 3,500 यूरो के करीब में, तो कोई ज्यादा महंगा नहीं है, मान लो फ्री के बराबर भी आपका काम बन सकता है। पांचवें नंबर पे फायदा ये हो जाता है, अगर इस देश में आप चले जाते हो ना एक बार, तो सभी यूरोपीय देश, जितने भी यूरोपीय देश है ना, यहाँ पे आपके जाने के चांसेस बन जाते हैं। एक बार लिथुआनिया चले गए, वीजा लग गया, भाई साहब 26 कंट्रियों में फ्री है, कहीं आओ जाओ घूमो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये बेनिफिट आपके बेस्ट होता है। सबसे सस्ता कंट्री 6 नंबर पे बात करें ना, तो भाई साहब और देशों से सबसे सस्ता कंट्री है रहना खाना। जी हाँ, रहना खाना 200-250 यूरो में काम बन सकता है भाई साहब। 200 यूरो मान लो आप, उसमें रहना और खाना कॉम्पिटिशन भी हो जाता है। कई बार कंपनियां मान लो रहना नहीं देती है, खाना नहीं देती है, तो 100-150 यूरो में आप रह खा सकते हैं, यानी सबसे सस्ती कंट्री में इसको गिना जाता है। अच्छी सैलरी की अगर बात करें तो मिनिमम सैलरी, जी हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो भाई साहब 1,00,000 रुपए की तो मैं गारंटी ले लूंगा आपको, 1,00,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। अगर आप 5-7 यूरो भी घंटे के हिसाब से कमाते हैं ना, तो आराम से 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। 1,00,000 रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है यूरोप देशों में, तो बेस्ट बात है ना ये आप लोगों के लिए। जॉब प्रोसेस आसान है, मैंने बता दिया कि आप बहुत सारे विजिट टू वर्क भी जाते हैं, है ना, और बहुत सारी वेबसाइट भी हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका मैंने बताया कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कि आसान जॉब लेने के लिए मैन पावर ऑफिस में मिल लो, वहां से आप अपना काम करवा लो, तो आसान प्रोसेस हो गया ना आपका। आसान एजेंटों के बारे में हम बात कर लिए, आसान एजेंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो मैंने बताए हैं, वहां जाओ अपना काम करवाओ। वो लोग लिथुआनिया का कभी ना कभी काम कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। मैन पावर से ट्राई करना, फर्जी एजेंटों के चक्कर मत आना भाई, वरना वो खा जाएंगे पैसे आपके। और आगे अगर 9 नंबर पे बात करें, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप नहीं पढ़े लिखे हैं ना तो भी यहाँ पे जा सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है। मान लो कि आप नई चीज़ में, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो वहाँ पे आप नई चीज़ में जा सकते हैं, खेती बाड़ी का काम हो गया, पैकिंग का हो गया, है ना, होटल में क्लीनर का, ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप उस जॉब में जाके सक्सेस हो सकते हैं। 12 महीने का अग्रीमेंट मिलेगा आपको, अग्रीमेंट वर्क परमिट 12 महीने का पासपोर्ट में लगेगा, अग्रीमेंट भी 12 महीने का मिलेगा। उसके बाद आपका अगर एम्प्लॉयर के कंपनी के साथ आगे जमता रहता है तो आप रिन्यू करवाते रहिए। आपका वीजा 12 महीने का, अग्रीमेंट 12 महीने का, तो और फिर क्या चाहिए भाई। इंटरव्यू नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह कि एम्बेसी में आप जाओगे आपका स्पॉन्सर लेटर डॉक्यूमेंट लेके पासपोर्ट वीजा लगवाने के लिए, तो आपका इंटरव्यू नहीं होता है। अब उससे ज्यादा क्या चाहिए, हाँ नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि आप बंद करके पहुंच गए, इंटरव्यू में आपसे इतना पूछा जाता है भाई कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कंपनी का नाम बता दीजिए, या आपका स्पॉन्सर कौन है, आपने उनसे कॉन्टेक्ट कैसे किया, है ना, ये सवाल जवाब नॉर्मल हो सकते हैं। बाकी कोई हार्ड इंटरव्यू नहीं होता कि जिसमें आपको फेल कर देंगे, इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हुई तो आपका वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कोई रूल लिथुआनिया का नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट न्यूज है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई सैलरी के बारे में, कि सैलरी आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, क्योंकि सैलरी इंपोर्टेंट है ना आपकी, लिथुआनिया जॉब में सैलरी कितनी मिलेगी, लास्ट टॉपिक में है, 15 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, सैलरी के बारे में बात करते हैं। देखिए सैलरी की अगर बात करें ना, तो नॉर्मल सैलरी वहां पे अगर देखा जाए ना, तो 5-7 यूरो, जी हां यूरो आपको मिल सकता है। कौन है, इन अनस्किल्ड जॉब है ना, जिनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, लेबर कैटेगरी का जॉब है। अब लेबर में कौन सा काम आ गया भैया, पैकिंग का आ गया, साफ सफाई का आ गया, खेती बाड़ी का हो गया, है ना, कोई प्लांटिंग का हो गया, शॉर्टली कोई भी XYZ जो स्किल्ड में नहीं आता है, उनमें बता रहा हूं 5-7 यूरो पर हावर्स आपको सैलरी मिल सकती है। और स्किल्ड की बात करें ना, स्किल्ड की बात करें तो ये मान लो कि आपकी सैलरी 7-10 यूरो पर हावर आपको यहाँ पे मिल जाती है आराम से। अब स्किल्ड में कौन सा हो गया भैया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, प्लम्बर का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, जो काम आपको हाथ से करना आता है, स्किल है आपके, आपका हुनर है, उसको बोला जाता है स्किल्ड जॉब। तो उसमें 5-7 से 10 यूरो तक आपको मिल जाता है। और अगर मंथली सैलरी की बात करें ना,
तो भाई साहब मंथली सैलरी मिनिमम सैलरी आपको पता है लिथुआनिया में 400 से 700 यूरो मंथली मिल जाता है, 800 औसत सैलरी बताई जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सैलरी पे काम करोगे तो भाई साहब 800 यूरो से लेके 1200 1500 यूरो तक आराम से आप यहां पे कमा सकते हैं। अब इतनी सैलरी मेरे हिसाब से यार नॉर्मल आदमी के लिए बेस्ट है। शुरुआती जो सैलरी आपको दुबई कतर में मिलती है 20,000, वहां यह सैलरी आपको मिल जाती है 80,000 से कम नहीं मिलती है, तो और आपको क्या चाहिए। तो ये कुछ डिटेल थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि लिथुआनिया जाने के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी के माध्यम से इस देश में आप जा सकते हैं। बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।